ऑक्सीडेशन स्टेट। सो लेट अस स्टार्ट विद ग्रुप 16। ग्रुप 16 का ऑक्सीडेशन स्टेट। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 इज NS2 NP4। सो फ्रॉम दिस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हाट वी कैन फाइंड आउट इज इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन टू गेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सो इन लोग क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं एंड दे बिकम्स स्टेबल। सो दैट देयरफॉर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप इज -2। वो गेन कर रहे हैं ना, दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई इट इज -2। एंड द कॉमन आयन जो इन लोग बनाते हैं दैट इज एम। एम यानी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स एंड इट इज -2। आयन जो इन लोग बनाते हैं दैट इज -2 आयन। एंड दे आल्सो they can also share 2 electrons to form 2 covalent bonds. तो ionic bonds तो बनाते ही है by gaining 2 electron, but they also form covalent bonds by sharing electrons. Now, if we talk about oxygen, so oxygen shows oxidation state of -2, +2 and -1. So oxygen 8, that is 1s2, 2s2, 2p4. So ये क्या करता है, 2 electron लेता है and it becomes stable, so therefore -2. Now this is very rare, that is only with fluorine. So when OF2 बनता है, oxygen difluoride, so fluorine is more electronegative than oxygen. So in this case, fluorine is -1 and oxygen is +2. बाकी किसी के साथ में भी oxygen plus oxidation state show नहीं करेगा. Is it clear? Now in case of peroxides, sodium peroxide, hydrogen peroxide, it shows the oxidation state of -1. So peroxide ion is O2 2 minus. So now in this O2 -2. So in this case, it shows the oxidation state of -1. Now other elements. What about other elements? So other elements can show oxidation state of -2, +2, +4, +6. कैसे? So let's see it. कैसे करते हैं? So general oxidation state is NS2, NP4, and there will be also ND0. This will not be present in oxygen, but sulfur से लेके tellurium की अगर हम लोग बात करेंगे तो सब में empty d orbital present रहेगा. So ground state will be like this, 2 electrons in s, 4 electrons in p and d orbital पूरा empty रहेगा. Okay, now in excited state 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, p का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, d में चला जाएगा.
किधर जाएगा, डी में जाएगा. सो नाउ इन दिस केस इट विल शो माइनस टू और माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. नाउ इन दिस केस ये क्या शो करेगा, प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. और यहाँ पे फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में माइनस टू या फिर प्लस टू भी शो कर सकता है ये. नाउ इन एक्साइटेड स्टेट टू यहाँ पे क्या होगा, एस से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे चला जाएगा, अगेन इट विल गो इन डी. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, सो इट विल बिकम हाउ मच, प्लस सिक्स. सो ऐसे करके अदर एलिमेंट्स शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ माइनस टू, प्लस टू, प्लस फोर एंड प्लस सिक्स. बट ऑक्सीजन कैनॉट शो ऑल दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, जिसके वजह से उन लोग वो ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है. Now let us talk about the stability, that is of plus 4 and plus 6. So inert pair effect, kuch yaad aaya, hum log ne 13th and 14th group mein inert pair effect kiya tha. So what is inert pair effect? Now here s orbital is fully filled, so it will behave inert, stable, and that's why s orbital electron donate नहीं करता है. इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली डोनेटेड बाय पी ऑर्बिटल. कुछ याद आया? ओके. सो और इनर पेयर इफेक्ट जो है वो लास्ट के तीन एलिमेंट शो करते हैं. सो लास्ट के तीन एलिमेंट्स जो है वो प्लस सिक्स के जगह पे प्लस फोर ऑक्सीडेशन शो करना ज्यादा प्रेफर करते हैं. सो इसलिए होता क्या है, डाउन द ग्रुप प्लस फोर का स्टेबिलिटी जो है इट गेट्स इंक्रीज्ड, एंड डाउन द ग्रुप प्लस सिक्स का स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. एंड व्हाट इज द रीजन, इनर्ट पेयर इफेक्ट. अभी भी अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, गो एंड स्टडी 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड फिर भी नहीं समझ में आए, देन यू कैन डिस्कस विथ मी इन लाइव सेशन. मैं और एक बार तुम्हारे रिवीजन के लिए बता देती हूँ व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो इनर्ट पेयर इफेक्ट में एस ऑर्बिटल, यू कैन सी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे एस ऑर्बिटल कैसा है, फुल्ली फील्ड है. सो सिंस इट इज अ फुल्ली फील्ड, इट बिहेव्स इनर्ट, इट बिहेव स्टेबल. एंड इन दिस केस एस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा. एंड वो इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा यहाँ पे, पी ऑर्बिटल सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है. एंड दिस इज ऑब्जर्व, दिस इनर्ट पेयर इज ऑब्जर्व ओनली इन लास्ट थ्री एलिमेंट्स, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल. सो इसीलिए चार इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, इसीलिए प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन शो करने का टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है. लेट अस स्टार्ट विद ग्रुप 17 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो ग्रुप 17 का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है NH2NP5. सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फिगरेशन वी कैन सी, अगर पी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ये स्टेबल बन जाता है. सो हैलोजन्स व्हाट दे डू, दे गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड दे अटेंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैस, एंड दैट्स व्हाई उन लोग जो आयन्स बनाते हैं, दैट इज एक्स माइनस वन. सो इनका आयन कैसे होता है, यूनी नेगेटिव आयन होता है, यूनी नेगेटिव आयन दे आर फॉर्मिंग. देन दे कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज दे कैन शेयर वन इलेक्ट्रॉन. उन लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग भी करते हैं एंड दे फॉर्म वन कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ इफ यू टॉक अबाउट फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है वो प्योरली माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, बिकॉज इट इज
highly electronegative element and it don't have d orbital. There is absence of d orbitals, इसीलिए वो उसका oxidation state वो उसका electrons को expand भी नहीं कर सकता है. So that's why it purely show oxidation state of -1. Now if we talk about chlorine, bromine and iodine, तो उन लोग -1 तो show करते ही है. उसके साथ में उन लोग +3, +5 and +7 oxidation state भी show करते हैं. And iodine जो है वो +1 oxidation state भी show करता है. So जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन NS2, NP5 एंड देर विल बी ND0, दैट इज ओनली फॉर दिस केस. सो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है. P में 5 इलेक्ट्रॉन्स है एंड D ऑर्बिटल पूरा empty है. सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट. ये क्या है? ग्राउंड स्टेट है. अभी अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट 1 की बात करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से कहां पे जाएगा? यहां पे जाएगा. सो ये केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो होगा दैट इज -1. इन दिस केस इट विल शो -1 और ये वाले केस में क्या शो होगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा. इन एक्साइटेड स्टेट 2 इधर का इलेक्ट्रॉन px का भी इलेक्ट्रॉन जो है इट विल गो here and it will show oxidation state of +5. Now in excited state 3 इधर एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, उसके साथ में ये इलेक्ट्रॉन, इधर का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाएगा? d में चला जाएगा. So it will become +7. So oxidation state कितना आएगा? +7 आएगा. So that's why chlorine, bromine and iodine show oxidation state of -1, +3, +5 and +7. But remember one thing, fluorine cannot show all this oxidation state, that is because of absence of d orbital. So let's start with group 18. So general electronic configuration is NS2, NP6. So here all orbitals are fully filled and they don't have any tendency to gain electron, to lose electron or share electron. And इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? Noble elements or inert gases. So इनका जो valency होता है, they show zero वैलेंसी. इनका कोई भी वैलेंसी नहीं है. दे शो जीरो वैलेंसी. दे ऑल एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक एलिमेंट और मोनो एटॉमिक गैस. वो किसी के साथ में भी कंबाइन नहीं होते हैं. बट रिसेंटली ज़ेनॉन के बारे में कुछ चीजें पता चली है. That is, xenon can form compounds with highly electronegative atoms like fluorine and oxygen. So, xenon can form compounds with oxygen and fluorine. So, ये तो highly electronegative elements है, इसीलिए xenon जो है यहाँ पे पॉजिटिव वैलेंसी या फिर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. इट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये इसलिए होता है, जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप ज़ेनॉन नीचे है एकदम. सो साइज इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बिकम्स लेस. And since they are the highly electronegative element, they are sufficient, they are capable of removing electron from. So जो xenon के जो compounds बने हैं, so compounds which are formed from xenon is Xe, F2,
XeF4 XeF6. सो ये फ्लोरीन के साथ के कंपाउंड से. सो नाउ हियर ज़ेनॉन विल शो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, हियर इट विल शो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हियर इट विल शो प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ सिमिलरली विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स XeO3 एंड ऑल्सो XeOF4. सो नाउ हियर इट इज शोइंग प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हियर ऑल्सो प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट. So with this, oxidation state of group 16, 17 and 18 is done. So let's start with chemical reactivity towards hydrogen. So let's talk about group 16 first. So in group 16, group 16 elements will be represented by E. Now E will react with H2. So what will be obtained? That is H2E. Now E is oxygen to tellurium. Means you will get water, you will get H2S, you get H2SE. H2TE. Hydrogen, dihydrogen oxide, dihydrogen sulfide, dihydrogen selenide, dihydrogen water is a colorless and odorless liquid. It's a colorless and odorless liquid. While H2S, H2SE and H2TE are colorless, bad smelling, poisonous gases. They all are poisonous gas with bad odor. H2S ka odor to suffocating hota hai. Now, if we talk about their structure, so this hydrides undergo sp3 hybridization. So यहाँ पे एक hydride का मैं working करके बताती हूँ. If you consider water, so oxygen is 1s2, 2s2, 2p4. So in ground state, it will have here 2 electrons and here 4 electrons. Now in hybridized state, now here there are 2 unpaired electrons and oxygen ko yahan pe 2 hydrogen ke saath mein bonds banana hai. Oxygen ke paas mein 2 unpaired electrons hai and it is supposed to make 2 bonds with 2 hydrogen. सो हाइब्रिडाइज स्टेज में क्या हो जाएगा, ये पूरा मर्ज हो जाएगा. दिस इज एस, दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई एंड दिस इज पी जेड. ओके, सो इट विल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. नाउ ऑक्सीजन, इट विल हैव टू लोन पेयर्स. This will be this electron ka bonding and ye electron ka bonding kahan pe rahega, yahan pe rahega. But agar hum log iska actual structure dekhne jayenge, so it will be a B-V bend structure. So B bend jane aisa. So isko tetrahedral ya fir B वी बेंड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है. सो सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही शो करते हैं एंड स्ट्रक्चर भी क्या रहता है, सेम रहता है. सिर्फ डिफरेंस जो होता है वो ये एंगल्स के बीच में आता है.
let us see the trend for angles between them. So now you can see here, when we go down the group, angle between HEH is decreasing. So now you can see, in case of oxygen, this angle is 104.5 degree, but in H2S it is getting decreased. This is becoming 92.1, and similarly for H2S and H2T this angle is going to get decreased. So why this happens? Now oxygen is smaller in size, and also highly electronegative, and therefore electron density is high. And due to higher electron density, repulsion occurs between bond pair of electron. Since यहाँ पे repulsion ज़्यादा है, ये क्या हो जाता है, एक दूसरे से रिपल करता है, सो एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. नाउ इफ यू सी एस इज कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउडिंग है इट गेट डिक्रीज, डेंसिटी गेट डिक्रीज, रिपल्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है. इसका मतलब क्या है, व्हेन रिपल्शन डिक्रीजेस अट्रैक्शन इंक्रीजेस, सो दे कम क्लोजर टू ईच अदर. व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर, ये जो एंगल है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बिटवीन ई एच. सो यहाँ पे मैंने कुछ एंथैल्पी लिखा हुआ है. This is for water, this is for H2S, this is for H2SE, and this is for H2TE. And unit of this enthalpy is kilojoule per mole. So you can see here, dissociation enthalpy, bond dissociation enthalpy of them down the group is getting decreased. So aisa kyun hota hai? That is because center atom E. If this E is O, center atom size, center atom oxygen size is smaller. Since size is smaller, bond length between O and H is smaller. When bond length is smaller, bond strength is more. But when we go down the group, center atom size increases. Atom ka size increase hoga, so EH bond length also increases. When this bond length increases, bond strength kya hoga? Decrease hoga. When bond strength will decrease, dissociation enthalpy is also going to decrease. Now, acidic characters. So, acidic characters down the group increases. So acidic characters का मतलब है, अभी how we will denote acidic character, कैसे measure करेंगे. So acidic characters are measured with tendency to donate H plus ions. So down the group हम लोग जाते हैं, so dissociation enthalpy of EH bond decreases.
अगर डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ईएच बॉन्ड डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. व्हेन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिक्रीजिंग, टेंडेंसी टू डोनेट H plus is also increasing. Tendency to donate H plus increase होगा तो क्या होगा, acidic characters will increase. Let us discuss thermal stability. So here water is highly stable, then H2S, then H2SE, then H2TE. Least stable is H2TE. That is because of bond dissociation enthalpy only. Now, least energy required to break the bond is H2TE. So, wo jo bond hai between H and TE, wo easily kya ho jata hai, break ho jata hai. When bond is getting easily break, it means it is least stable. Whereas highest energy is required for dissociation of bonds between O and H. It means when energy required is high, then stability is maximum. So on moving from water to H to TE, size of center atom is increasing. Tendency to form MH or you can say EH bond is decreasing. Tendency to form EH bond is decreasing, and therefore that bond is becoming weaker. It means its thermal stability is also decreasing. Next, let us start with reducing characters. So thermal stability and reducing characters are inversely proportional to each other. Thermal stability is inversely proportional to reducing character. Jitna zyada stable tumhara compound hoga, uska utna hi reducing hone ka प्रॉपर्टी कम होता है. सो यहाँ पे वाटर इज सो स्टेबल, इट इज सो स्टेबल दैट इट डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. इट डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग agent or do not show any reducing character. Energy of water, dissociation enthalpy of water is very very high. The other hydrides are less stable and therefore they act as reducing agents. Thermal stability decreases down the group, it is decreasing down the group, and therefore रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप में. सो एच टू एस विल बी लीस्ट, फिर उसके बाद एच टू टी, एंड सबसे हाईली रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स जो शो करता है दैट इज एच टू टी, बिकॉज उसका बॉन्ड क्या हो जाता है, इजिली ब्रेक हो जाता है एंड इट गेट्स इजिली रिड्यूस्ड. लास्ट टॉपिक to discuss about this hydride is about their boiling point. So water is having exceptionally high boiling point. So water have high boiling point, that is due to presence of strong hydrogen bonds. Okay, then about these elements, size of hydrides increases down the group. Okay,
इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. देर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दिस कंपाउंड. हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ वही कंपाउंड्स के बीच में होता है वेयर देर इज ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन फॉर्म. फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दैट इज फॉर्म फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सो दैट्स वाई यहां पे जो इंट्रैक्शन होगा दैट विल बी दी वैन डर वाल्स. सो वेन साइज ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप वैन डर वाल्स फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. वेन वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इंटरैक्शन बिकम्स स्ट्रॉन्ग डाउन द ग्रुप एंड देयर फोर बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग. सो सबसे कम H2S का है फिर H2SE का है एंड H2TE का सबसे ज्यादा है. सिंस इसका साइज सबसे ज्यादा है यहाँ पे स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है एंड देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इज द हाईएस्ट इन H2TE. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ वोलेटिलिटी. सो वोलेटिलिटी द वन हु हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट इज लेस वोलेटाइल. सो वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. जितना ज्यादा टाइम लगेगा बॉइल होने के लिए उसका मतलब वो उतना लेस वोलेटाइल होता है. सो नाउ हियर वाटर इज लीस्ट वोलेटाइल उसके बाद आता है H2TE फिर H2SE एंड सबसे जो ज्यादा वोलेटाइल है यहाँ पे दैट इज H2S. सो H2S इज हाईली वोलेटाइल हाइड्राइड. With this, group 16 के hydrides का study is done. Now let us start with group 17 के hydrides. So let's start with group 17 hydrides. So यहाँ पे reaction will be H2 plus X2 will give you 2 HX. Now X are here fluorine. ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड जो कंपाउंड बनेंगे दैट विल बी HF, HCl, HBr एंड HI. हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड. नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ तो अभी हम लोग ने जो लॉजिक अप्लाई किया फॉर ग्रुप 16 सेम लॉजिक व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप जाएंगे. सो साइज ऑफ हैलोजन विल इंक्रीज. व्हेन साइज ऑफ हैलोजन विल इंक्रीज बॉन्ड लेंथ of HX will also increase. When bond length will increase, bond strength will decrease. Bond strength decrease hoga, to tendency to donate H plus will increase. When tendency to donate H plus will increase, acidic character will also increase. So HF will be least, then HCl, then HBr, and highly acidic will be hydrogen iodic acid. Hydrogen iodide acid. Now let's talk about thermal stability. So again, थर्मल स्टेबिलिटी सेम लॉजिक. डाउन द ग्रुप जाएंगे हैलोजन का साइज बढ़ेगा एच एक्स का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज. व्हेन बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑल्सो
डिक्रीजेस. सो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. सो हाईली स्टेबल कौन है? HF, फिर HCl, फिर HBr एंड HI इज द लीस्ट थर्मली स्टेबल. रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स, सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल स्टेबिलिटी से. सो द वन हु इज हाईली स्टेबल विल बी लीस्ट, विल हैव लीस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एंड द वन हु इज लीस्ट थर्मली स्टेबल विल हैव हाई रिड्यूसिंग characters. So HI is will act as strong reducing agent. Now again if we talk about melting point or boiling point, to HF ka melting point will be exceptionally high and it will be due to presence of hydrogen bonding in HF, whereas if we talk about HCl, HBr and HI, they don't have hydrogen bonding. So here there will be a presence of van der Waals force. So yahan pe kya hoga? Size of halogen will increase down the group, or size, and therefore size of HX will increase down the group. When size will increase, van der Waals force will also increase and melting point, boiling point will also increase. So hota kya hai yahan pe? HI ka sabse zyada hai and sabse kam kiska hai? HCl ka hai. बट एच एफ का एक्सेप्शनली हाई है. सो एच एफ किधर आएगा? यहाँ पे आएगा. इट इज हैविंग एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ व्हाट अबाउट ग्रुप 18th का रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन? सो 18th ग्रुप एलिमेंट्स are chemically inert, they do not react with hydrogen because unka outermost shell kaisa hai? Fully filled hai. So there is no formation of hydrides in group 18th. So next topic is chemical reactivity towards oxygen. So in group 16, two types of oxides are formed. Since they show variable oxidation state, its valency with means they have variable valencies in group 16, so they form various oxides. So E plus O2 gives EO2. Now you can see here oxygen is itself a member of this group. So यहाँ पे inter group में भी reactions होता है. So now here E is what? Sulfur, cellurium and tellurium. So this is first reaction. Second reaction, E plus O2 gives you EO3. हाँ, और यहाँ पे है ना O भी आएगा, because O3 बनता है ना ओजोन. So O also reacts with O2 to give O3. Now here E will be sulfur, cellurium and tellurium.
here oxidation state of E will be plus 4 and here oxidation state of E will be plus 6. Oxygen is more negative than this element, so oxygen will show negative oxidation state and they will show positive oxidation state. So we'll study first EO2 type of oxides. So EO2 में क्या क्या बनता है? O3 बनता है, SO2 बनता है, SeO2 बनता है and TeO2 भी बनता है. So here they are solids, they are gases, well these are the solids. So oxidation, gas से solid में phase change कैसे होगा? That is when we go down the group, size of oxides increases. When size increases, van der Waals force also increases, and that's why gases solid mein phase change occurs. They are acidic in nature. So now if you see SO2, when it reacts with water, so we get is S2SO3, that is sulfurous acid. Similarly, when SeO2 reacts with water, to selenious acid banta hai. S2SeO3. This is selenious acid. So basically when they react with water they give acids, and that's why they are acidic in nature. TeO4, it acts as oxidizing agent. Now why it acts as oxidizing agent? So that is because TE जो है ना वो ये वाले form में बहुत कम मिलता है. That is because of inert pair effect. Now tellurium जो है it has more tendency to form, to show plus 4 than plus 6. So इसका मतलब क्या है? Tellurium का tendency is more for plus 4 and less for this. That is due to inert pair effect. So when iska oxidation hone ka tendency is less. Oxidation hone ka tendency less hai, iska matlab reduction show karne ka tendency is more, and therefore it act as oxidizing agent. And if this is acting as oxidizing agent, then SO2 will act as reducing agent. This is TeO2. Okay. So TeO2 act as oxidizing agent. That is because उसका due to inert pair effect oxidation होने का oxidation reaction show करने का tendency is less. इसका मतलब reduction reaction करने का tendency is more, and therefore it is acting as oxidizing agent. So if this is acting as oxidizing agent, then SO2 will act as reducing agent because उसका tendency ज़्यादा है plus 4. उसका tendency sulfur का tendency प्लस 4 दिखाने का कम है, प्लस 6 दिखाने का ज़्यादा है, and that's why it will act as reducing agent. Now EO3 type of oxides कौन से हैं? SO3, SeO3,
TeO3. These are the oxides of EO3 form: sulfur trioxide, selenium trioxide and tellurium trioxide, and they all are acidic in nature. They all are acidic in nature because they form acids. So if you take SeO3 plus H2O, so it gives you H2SeO4. This is selenic acid. Similarly, SO3 plus H2O gives you H2SO4, that is sulfuric acid. So since on reaction with water they are giving acid, they are acidic in nature. Tellurium trioxide, when it reacts with water, it gives telluric acid. So they are acidic in nature. So with this, group 16 elements oxides are over. So let us start with chemical reactivity towards oxygen of group 17. So group 17 forms many oxide with oxygen, but many of them are unstable. So if we see oxides of fluorine, so fluorine form two oxides, that is OF2 and O2F2, oxygen difluoride, dioxygen difluoride, and they both act as fluorinating agent. Now what is mean by fluorinating agent? They release fluorine. But out of this, OF2 is the stablest oxide of fluorine. O2F2 is used to oxidize plutonium to form plutonium hexafluoride. O2F2 reacts with plutonium. It oxidizes plutonium and it gives plutonium hexafluoride plus O2. Now this reaction is used to remove plutonium from nuclear fuel. Now oxides of chlorine. So chlorine forms oxides like Cl2O, ClO2, Cl2O6 and Cl2O7. So since they show variable oxidation state, so they form variable oxides. They all act as oxidizing agent and they have tendency to get explode. ClO2, it acts as bleaching agent means to remove the color. So color kaha pe remove karna padta hai, bleaching agent is required where in paper industry, then textile industry, then also it is used in water treatments. Now if we talk about bromine, so bromine also forms Br2O, dibromine oxide, BrO2, bromine dioxide and bromine trioxide. Now these oxides are the least stable, but they are powerful oxidizing agent.
आयोडीन फॉर्म्स I2O4, I2O5 एंड I2O7. डाईआयोडीन टेट्राऑक्साइड, डाईआयोडीन पेंटाऑक्साइड एंड डाईआयोडीन हेप्टाऑक्साइड. दे ऑल आर इन सॉलिड स्टेट. दे ऑल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड दे आर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वॉटर एंड दे गेट डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग. I2, आउट ऑफ दिस I2O5 एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, सो विथ दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 17. नाउ इफ यू टॉक अबाउट 18, ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. ग्रुप 18 डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन सिंस दे आर स्टेबल, दे आर इनर्ट, दे डोंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. So now let us start with reactivity towards halogen. So first let us discuss group 16 reactivity towards halogen. So E plus X2 gives various types of halides like EX6, EX4, EX2. Variable oxidation state plus 6, plus 4, plus 2. Now E is here sulfur, cellurium and tellurium. Now let us discuss first hexahalides. Hexahalides. So hexahalides kaun se hai? S, F6, Se, F6 and Te, F6. Okay, and they all are colorless gases. They all are colorless gases. Now, if we talk about their hybridization, so which hybridization it will undergo? It will undergo sp3d2 hybridization. सो सल्फर इज द सेंटर एटम. अभी हम लोग एक ही, मैं एक कंपाउंड के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. लेट अस टेक SF6. इन SF6 सल्फर इज द सेंटर एटम. सो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 एंड 3d0. सो ग्राउंड स्टेट में वैलेंस जो है ऑर्बिटल्स, यू कैन रिप्रेजेंट इट इन this way. D pura empty. Now in excited state 1, excited state 1 mein kya hoga? P se jo ek electron hai wo D mein chala jayega. So abhi kitne unpaired electrons ho gaye? 4. But yahan pe apne ko kitne chahiye? 6 chahiye, because a sulfur is making 6 bonds with fluorine. So abhi excited state 2 aayega. टू में क्या होगा? यहाँ का भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? डी में चला जाएगा. सो ओके, नाउ हाउ मेनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया. सो नाउ देयर विल बी एन हाइब्रिडाइज स्टेट. सो यहाँ पे ये सब क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे, एस पी एंड डी के 2, और ये बाकी जो डी के 3 ऑर्बिटल्स है वो एम्प्टी रहेंगे. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 6 fluorine will overlap with this orbital. So ye 2 idhar likhte hain. So it undergo sp3d2 hybridization. So abhi iska structure kaisa hoga? What will be the structure? So sp3d2 ke structures kaise hote hain? Sulfur, this is octahedral structure, this is, so this structure is octahedral structure.
नाउ इफ यू टॉक अबाउट ये बाकी के भी जो थे ना सेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड दे ऑल विल शो सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. Now, if we talk about the stability of halides, if we talk about the stability of halides, so सबसे ज़्यादा stable जो होते हैं ना, they are fluorides, then chlorides, then bromides, and then last में iodide. So that is because fluorine is highly electronegative. So उसके जो compounds होते हैं वो कैसे होते हैं एकदम ज़्यादा stable होते हैं in case of hexahalides. So इसीलिए यहाँ पे मैंने तुम लोग को जो examples बताए थे that was SF6, SEF6 and TEF6. So now let us discuss tetrahalides. So tetrahalides जो mostly बनते हैं वो chlorine के साथ वाले जो मीन्स फ्लोरीन वाले भी होते हैं स्टेबल एंड क्लोरीन वाले भी स्टेबल होते हैं. ओके सो लेट अस डिस्कस टेट्राहैलाइड्स. सो व्हाट आर द वेरियस टेट्राहैलाइड्स दैट आर फॉर्म दैट इज SF4, SEF4, TEF4 एंड also TeCl4. okay, so these are the stablest. बाकी भी बनते हैं but ये सबसे क्या है ज़्यादा stablest halides है. जितना ज़्यादा electronegativity difference होगा उतना ज़्यादा क्या आएगा stability आएगा and they all undergo sp3 hybridization. तो मैं एक का hybridization करके explain करती हूँ. so let us take SF4. So sulfur again 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 and 3d0. तुम लोग भी मेरे साथ में साइमल्टेनियसली अपने नोटबुक्स में ये हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हो. सो हियर इट विल बी 2, हियर इट विल बी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन एम्प्टी इन ग्राउंड स्टेट. नाउ इन एक्साइटेड स्टेट वी रिक्वायर्ड इज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बट ग्राउंड स्टेट में सिर्फ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है. सो यहाँ पे क्या होगा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्या हो जाएगा डी में चला जाएगा. ओके नाउ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए नाउ दे विल गेट हाइब्रिडाइज. सो हाइब्रिडाइज स्टेट इज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स आएंगे एंड दे ऑल विल हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन and this 4 orbitals will be empty. So ये sorry ये merge हो जाता है they get merge. Okay so this is what sp3 dehybridization. अब इसका structure कैसा रहेगा sp3 hybridization है इसका मतलब structure कैसा रहेगा trigonal bipyramidal. So sulfur यहाँ पे एक fluorine इधर एक fluorine इधर एक fluorine इधर एंड ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आए. सो इट विल फॉर्म ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर. ओके नाउ लेट अस डिस्कस डाइहैलाइड्स. नेक्स्ट इज डाइहैलाइड्स. सो व्हाट आर द वेरियस डाइहैलाइड्स व्हिच आर फॉर्म दैट इज SCl2, SeCl2 and TeCl2. So these are the stablest. So now if we talk about this, they will undergo sp3 hybridization. So kaise hoga, just have a look here. Sulfur, that is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0. ग्राउंड स्टेट. अब ये तो तुम लोग को पता ही चल गया है कब से हम लोग कर रहे हैं, 2 एग्जांपल्स हो गए. सो यहाँ पे ये कुछ वापस बताने की ज़रूरत नहीं है. सो इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज. नाउ हाउ मेनी बॉन्ड्स शुड गेट फॉर्म 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है. सो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट नहीं आएगा, डायरेक्ट हाइब्रिडाइज स्टेट आएगा जिसमें ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे मर्ज हो जाएंगे. ओके
सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज. सो अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो दो लोन पेयर है. सो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, हियर विल बी वन सी, हियर देयर विल बी वन सी. सो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ओके, लाइक अ वाटर. नाउ व्हाट आर द वेरियस मोनोहैलाइड्स, मोनोहैलाइड्स भी बनते हैं. सो मोनोहैलाइड्स आर डाइमरिक इन नेचर. सो ये देखो S2F2, सो दे आर डाइमरिक. S2Cl2 डाइमर, Se2Cl2 डाइमर, Se2Br2 डाइमर. मीन्स SF, दो SF ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे, HCl दो ज्वाइन हो रहे हैं. सिमिलरली SeCl2 एंड SeBr2. नाउ दे अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. मोनोहैलाइड्स अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. सो यू मस्ट हैव स्टडीड व्हाट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन रेडॉक्स रिएक्शन. सो फॉर एग्जांपल इफ यू टेक Se2Cl2, सो ये फर्दर हीट करने पे SeCl4 प्लस Se में कन्वर्ट होता है. सो नाउ इफ यू चेक आउट दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Se, सो हियर इट इज +1, हियर इट इज +4 एंड हियर इट इज 0. सो +1 से Se जो है वो +4 हुआ. इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ. सिमिलरली Se ने +1 से जीरो गया, मीन्स रिडक्शन हुआ. सो इट इज शोइंग व्हाट, रिडक्शन रिएक्शन. मीन्स Se और एट द सेम टाइम इट इज शोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड सच रिएक्शंस आर नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. दिस प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मीन्स साइमल्टेनियसली क्या होता है, साइमल्टेनियसली सेम एलिमेंट शोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. सो मोनोहैलाइड्स शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस. Now, with this group 16 halides are over. So let us start with group 17. So group 17th element, 17th elements के साथ में ही react करते हैं to form interhalogen compounds. So halogen combines themselves to form number of compounds known as interhalogen compound. So ये कौन से टाइप के हैं, सो इट इज एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स थ्री डैश, एक्स एक्स फाइव डैश, एक्स एक्स सेवन डैश. सो नाउ हियर एक्स जो है वो कैसा रहेगा, लार्जर साइज वाला हैलोजन रहेगा and it will act as positive ion. Larger size hai, so tendency to give electron is more, so it will act as positive ion. And H, X dash jo hai, it will be a smaller size halogen and it will act as negative ion. So for example, I'll give you some example. Jaise XX dash 7 है, that will be IF7. So here I is larger size halogen and F is smaller size halogen. XX5 dash, that is ClF5. Cl is larger size and F is smaller size. Then you can also take ClF3. Then you can also take ClF.
इतने ही कंपाउंड्स नहीं है, और भी है इन डिटेल, हम लोग आगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स करके छोटा सा टॉपिक है उसमें डिटेल स्टडी करेंगे। बट फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि हैलोजन आपस में ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं एंड दे फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। व्हाट दे फॉर्म? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं वो बेसिकली ये चार टाइप के हैं, XX-, XX3-, XX5-, and XX7-, एंड इनके कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। नाउ एक्स इज योर लार्जर साइज हैलोजन एंड एक्स डैश जो होता है वो स्मॉलर साइज का हैलोजन होता है। ओके, इन डेप्थ विल स्टडी दिस टॉपिक लेटर ऑन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद ग्रुप 18th एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी विद हैलोजन। नाउ हम लोग कब से पढ़ रहे हैं कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स इज नॉट रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन, इट इज नॉट रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, बट इट डू रिएक्ट विद हैलोजन्स। सिंस हैलोजन्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, मीन्स उनका जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने का या फिर अट्रैक्ट करने का, इट इज़ वेरी हाई। सो ग्रुप 18th के एलिमेंट्स, दोज हु आर इन लार्जर साइज, मीन्स जहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका कम है, जैसे क्रिप्टन एंड ज़ेनॉन, क्रिप्टन एंड ज़ेनॉन, दे रिएक्ट विद फ्लोरीन बिकॉज फ्लोरीन इज द हाईली फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो फ्लोरीन के पास में टेंडेंसी है इन लोग से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने का, सो दे फॉर्म हैलाइड्स। सो नाउ फॉर एग्जांपल, इफ Xe प्लस F2 इफ दे आर हीटेड एट 673 केल्विन एंड प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, सो यू विल गेट XeF2। एंड XeF2 के अलावा भी XeF4, XeF6 ये भी हैलाइड्स बनते हैं, दैट इज नोन एज हेक्सॉन डाइफ्लोराइड, हेक्सेन टेट्राफ्लोराइड एंड हेक्सन हेक्साफ्लोराइड। नाउ दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड दे आर कलरलेस एंड दे सबलिम्स रेडिली एट 25 डिग्री सेल्सियस। इनका स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में इन लोग मिलते हैं, बट इन लोग क्या हो जाते हैं, दे गेट सब्लिमेट, मीन्स डायरेक्टली सॉलिड से क्या हो जाते हैं, गैस में चले जाते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज जो इंटरैक्शन है, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है, दैट इज वेरी वेरी वीक। एंड दे, सिंस देयर इज लार्ज नंबर ऑफ फ्लोरीन प्रेजेंट इन देम, दे एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट मीन दे सप्लाई फ्लोरिन। ओके, सो विद दिस केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन इज ओवर। सो लेट अस स्टार्ट विद रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल। सो लेट अस स्टार्ट विद ग्रुप 16th का रिएक्टिविटी विद मेटल्स। सो ग्रुप 16 they readily reacts with sulfur, cellurium, tellurium on heating. When we heat metal with sulfur or selenide, tellurium, then उन लोग react, reaction show करते हैं. And they metal also reacts with oxygen to form oxides. सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फाइड्स बनेगा, सेलेनाइट के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेलेनाइट्स बनेगा, सेल्यूरियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेलेनाइट्स बनेगा। सो विल जस्ट नोट डाउन सम रिएक्शंस। नाउ फॉर एग्जांपल, एल्युमिनियम मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स आयन ऑक्साइड। सिमिलरली इफ कॉपर reacts with sulfur, it gives copper sulfide. If cadmium reacts with selenium, it gets cadmium selenite.
इफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सेलेनियम यू गेट मैग्नीशियम सेलेनाइट. सो दिस आर द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16. सो ग्रुप 16 एलिमेंट्स रेडिली रिएक्ट्स विद मेटल. नाउ लेट अस सी ग्रुप 17 एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी. सो नाउ ग्रुप 17 हैलोजन रिएक्ट्स विथ मेटल रेडिली और यू कैन से दे रिएक्ट्स विथ मेटल इंस्टेंटली टू गिव मेटल हैलाइड्स. रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स विथ मेटल्स decreases down the group. So fluorine is highly reactive, fluorides फिर chlorine फिर bromine and then iodine. Since fluorine is electronegative and metals are electropositive, they have higher tendency of reaction. Fluorine has higher tendency to show reactivity with metals as compared to others. जैसे जैसे electronegativity कम होते जाता है reactivity भी कम होते जाता है. So now let's check out some reaction. जैसे copper है, copper if reacts with fluorine it gives you CuF. Na reacts with Cl तो क्या मिलता है NaCl. Mg plus Cl2 gives you MgCl2. Aluminium plus bromine gives you aluminium bromide. Balance करते हैं reaction को. Okay. Now, if we talk about the ionic characters of halides. Ionic characters of halides. तो क्या होगा fluorine. Fluorine is highly ionic in nature. So metal fluorides जो होते हैं they are highly ionic. फिर उसके बाद chlorides. फिर metal bromides. And then सबसे least जो ionic है that is metal iodide. Okay. Then हलाइड्स जो यहाँ पे बनते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होते हैं एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होते हैं. सो नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट टीन. सो टीन क्लोराइड डाइक्लोराइड भी बनता है एंड टेट्रा क्लोराइड भी बनता है. बट यहाँ पे हु विल बी मोर आयोनिक. सो इट विल बी SnCl2. So lower is the oxidation state, higher is the ionic characters, and higher oxidation state jitna rahega, higher will be the oxidation state, higher will be the covalent characters. तो ये तो अपने को पता ही है. इन पीरियोडिक टेबल इफ वी सी ग्रुप वन एलिमेंट्स शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1. सो दे आर हाईली आयोनिक इन नेचर. ग्रुप 17 एलिमेंट्स दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1. सो दे आर हाईली आयोनिक इन नेचर. सो लोअर विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट. Higher will be the ionic character. If you compare +1 and +2, कौन ज्यादा ionic है? +1 है. Because इसको क्या करना है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देना है. इसको दो इलेक्ट्रॉन देना है. इसीलिए ये ज्यादा ionic है. If you compare -1, -2, so -1 is more ionic. Because इसको एक ही इलेक्ट्रॉन देना है. Whereas इसको दो इलेक्ट्रॉन देना है. So higher will be the oxidation state. Lower will be the ionic character. So similarly, let us see some examples. PbCl
Cl4 है एंड PbCl2 भी है. सो हु विल बी आयोनिक मोर? दिस विल बी मोर आयोनिक एंड दिस विल बी कोवेलेंट इन नेचर. हियर दिस विल बी आयोनिक एंड दिस विल बी कोवेलेंट इन नेचर. सिमिलरली एंटीमोनी SbCl5 एंड SbCl3 ये दोनों भी कंपाउंड बनाता है, बट ये क्या रहेगा? आयोनिक रहेगा. इधर क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +5 है. सो दिस विल बी कोवेलेंट इन नेचर. आई होप यू ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट्स. सो अभी यहाँ पे दिस इज +6 एंड हियर इट इज +4. सो दिस विल बी कोवेलेंट एंड दिस विल बी आयोनिक. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4 है. यहाँ पे क्या है? +2 है. यहाँ पे क्या है? +2 है. और यहाँ पे क्या है? +4 है. सो हायर विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर. लोअर विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर विल बी द आयोनिक कैरेक्टर्स. नाउ विद दिस ग्रुप 17 का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेथड इज ओवर. नाउ व्हाट अबाउट ग्रुप 18? Group 18 elements. Group 18 elements do not show any reactivity with metal. At least directly तो reactivity show नहीं करते हैं. And with this, our video is getting over. If you have any doubts, we'll discuss it in live lecture. Till then, take care. Bye bye.